जो आप लोगन के ती रही है हम भेजे हैं, जो सच्चाई है सो बताइए। कुल मिलाए हम लोगन को आपस में निपटारा हो चुको है, बस मोबाइल की बात रह गई है। जो कछु हमारी उनकी गलती दोनों लोगन पर भाई, दोनों लोगन ने पे पे मान करी है, बस मोबाइल आ जाइए। दो तीन दिन की कह दी चाचा ने कि आ जाइए, जो हमारे गांव के गुड्डू चाचा है प्रधान जी, उनने कही कि दो तीन दिन में मोबाइल आ जाइए। तो बस हम वही बात पर डले है, ना ही उनके बारे में कोई खिलाफ वीडियो है या ना कुछ है, जैसी अपनी वीडियो बनाए रहे वैसी बने हैं। आप लोग सपोर्ट कर, ना सागर भैया सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज के मौसम में बहुत ही खतरनाक गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो फ्रेंड जैसी गर्मी यहाँ है वैसी गर्मी हमारे चैनल पे बनी हुई है, क्योंकि राधा देवी और शिवानी दीदी में इतनी बहस छिड़ चुकी थी, उनका फ़ोन भी छीन गया था। तो वहाँ के प्रधान जी ने कुछ फैसला कराया है, तो आपने देख क्लिप में देखा ही होगा, जो दीदी बता रही है दीदी कि फ़ोन मिल जाएगा सही करने के लिए, शॉप में पड़ा हुआ है, दुकान पर भेजा है, अगर नहीं सही हुआ तो शिवानी दीदी उनको नया फ़ोन लेके देंगी फिर से। तो थैंक यू शिवानी दीदी, आपने ये कदम उठाया है कि बेचारी बहुत गरीब हैं, उनके पास तो 3 रुपये होंगे नहीं जो फिर से फ़ोन ले लें, और छोटा चैनल है आपके तो 6 व्यू जाते हैं, और आप हमेशा गरीबों की हेल्प करती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ दीदी अभी कुछ कमेंट में दे जो कर रहे थे उसके दीदी से रिक्वेस्ट है कि गंदे कमेंट ना कीजिए, ज़्यादा के लिए या शिवानी दीदी के लिए कोई गंदे कमेंट नहीं करेगा, जो कुछ है वो सब ठीक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्लिप देखिए फिर मिलते हैं आपसे। हम उन कही कि हम तुम्हारा मोबाइल दिवाई हैं, अब दो नहीं गो मेरो मोबाइल, मतलब राजी बाजी लिख चुकी है मोबाइल, अब दो नहीं गो है। तो हम भाई वीडियो डाल रहे, जो कुछ हुआ जैसो संशोधन होएगो होएगो, अब मोबाइल नहीं मिलो, जी दिन हमारा मोबाइल मिल जाइए मोबाइल की वीडियो हम आप लोगन के तीर भेज दी है, आज मेरो मोबाइल मिल गो होएगो। अब मोबाइल नहीं मिलो मतलब देन को हुआ कि हम मोबाइल दिए, अब गुड्डू चाचा ने गारंटी ली है कि हम मोबाइल तुम्हारा दिवाई है, दो तीन दिन के अंदर मोबाइल आ जाइए। तो भाई हम बस भाई पर हम भाई संशोधन पर रुके हैं, जैसी कछु है आप लोग देख सका था। तो जो मोबाइल अतो टूटो वो जो छुटाओ तो जो ले गई थी वो सर्विस सेंटर पर गो है मोबाइल, समरन समरवाए के दिए, अगर वो नहीं समरवाई है नहीं मतलब समरे है। देखिए अभी दीदी भी दीदी खुश तो है पर उतनी खुश नहीं है, फ़ोन मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी ही फ़ोन से जुड़ी हुई है। तो थैंक यू शिवानी दीदी, थैंक यू राधा दीदी, आप लोगों का झगड़ा शांत हो गया, जिससे बहुत ही यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी फैल गई थी, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो फ्रेंड अभी रश्मि ने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, दीदी ने ब्लॉग डाला था, सभी लोग खुश हो गए हैं कि अभी टूटे हुए फ़ोन से पुराने वाले से डाल रही हैं, जब नया फ़ोन आ जाएगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। और तुमने गंगा सागर को देखा ही होगा, वो भी उनके साथ है, और सभी लोग राजनीति की हेल्प कर रहे हैं, गांव वाले भी, प्रधान जी ने पूरी हेल्प की है, समझौता करा दिया है, मेरी वही बात हुई थी तो बता रही थी कि समझौता हो चुका है, जब भी दीदी फ़ोन दे देंगी तो पूरी तरह से जो मामला था ख़त्म हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर रहिए, दीदी और शिवानी दीदी दोनों मिलकर, गुन्नाधारी नाम का नाम खराब होता है, कि शिवानी दीदी आपसे ही नाम ऊँचा हुआ है, हम जानते हैं कि राधा दीदी आपके चेहरे पर ही वायरल हुई थी, जैसे आपने शिवानी दीदी ने जो ब्लॉग डाला था नलवाला, उससे ही राधा दीदी वायरल हो गई थी, किसी चैनल बना दिया था उससे वायरल हो गई थी, वो कोई बात नहीं, हम तो मानते हैं आपका एहसान, जो आपने उनको वायरल करा दिया उनका रोजी रोटी चलती रहेगी। पर ऐसे आपने ईसा का ब्लॉग डाला था, ईसा भी देखो वायरल हो गई, लगभग उनके व्यूज आ गए थे 8 से 8-9 लाख। तो दीदी आपसे रिक्वेस्ट है एक ईसा का एक और वीडियो बनाकर डालिए, जिससे हम लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका चैनल काफ़ी ग्रो हो चुका है, तो एक ब्लॉग आप डेली नहीं डलवाते, सप्ताह में एक ब्लॉग डलवा दीजिए, डलवाने की कृपा करें, वो भी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। तो दीदी थैंक यू शिवानी दीदी, आप हमेशा ऐसे आगे बढ़ें, यही मेरी मनोकामना है ईश्वर से, आओ अरियारी गांव में हर कोई यूट्यूबर बने, बड़ा यूट्यूबर बने। और रसगुल्ला भाई का थोड़ा ध्यान रखिए, वो तो अंदर से बिल्कुल टूट गए हैं, और इशारा आपकी तरफ कर रहे हैं कि आपने उनके वीडियो कटवा दिए हैं, तो एक वीडियो आप डाल देती हैं कम से कम तो ये दिक्कत नहीं आती दीदी, सभी लोग मिलजुल कर रहना है रहते हैं, और आप एक साथ सभी लोग वीडियो बनाइए कि हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, और ना ही लड़ाई कीजिए, जैसे ये तो बहुत पूरे आप इंडिया या क्या विदेशों में भी आपका वीडियो जाता है उससे आपकी छवि ख़राब होती है। तो दीदी आपसे रिक्वेस्ट है एक वीडियो बनाइए, इसमें सभी लोग शामिल हों
और एक साथ सभी लोग अपने अपने विचार रखें, कमेंट करें, तो सभी लोग लगेगा कि हाँ कोई मतभेद नहीं है। तो रश्मि, रसगुल्ला भाई और हमारे अंशु भाई, उनका नाम है रसगुल्ला कहते हैं हंसी मजाक में, और नाम भी उनका रसगुल्ला चैनल का पड़ा हुआ है। तो शिवानी दीदी, राय दीदी, रश्मि, तीन लोग मिलकर एक वीडियो बनाइए, जिससे वो वीडियो इतना हिस्ट्री में वायरल जाएगा, हम जानते हैं। आप तीन लोग मिलकर बनाइए तब, और हम आप बेसर भी इंतजार कर रहे हैं इस वीडियो का। तो शिवानी दीदी, ऐसे ही सब लोग प्रेम से रहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। किसी के दिल पे ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे जो वीडियो हमने डाला था उस पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि दीदी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, राधा खराब है, या शिवानी दीदी खराब है, रसगुल्ला खराब है, बहुत ज़्यादा बेकार कमेंट हुए थे। इसलिए मैंने इसीलिए बनाया कि आप सभी लोग एक वीडियो एक साथ मिलकर बनाइए, इससे सभी को लगे कि आप सभी एक हो। आप एक सब देखो, गाँव में रहते हैं सभी लोग, तो बुराई अच्छी नहीं होती है। बस इतना ही कुछ था। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। डाटा, बाय बाय।